गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। व्हाट इज द फाइबर? फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइबर इज ए वेरी फाइन हेयर लाइक स्ट्रैंड और स्ट्रक्चर। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर। व्हाट इज द नेचुरल फाइबर? नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम the nature, we can say from the plants and animals. So the fibers that we are getting from the plant and animal are called natural fiber. The plant fiber are cotton, flax, jute. Okay, the cotton, we get cotton wool, rui, jisko hum rui kehte hain. Flax plant se hame linen milta hai, jute plant se jute milta hai. What are the animal fiber? Animal fiber are obtained from the animals like wool and silk. So in this chapter, we will study about only animal fiber. In this chapter, we have to study only wool and silk. Fiber to fabric. Yani fiber se fabric kaise banta hai? So I am telling to you, listen me please carefully. The fiber is obtained from plant and animal, and we can get the fiber. We can make the fiber synthetically. Synthetic fiber means the man-made fiber. There are two type of fiber, man-made or synthetic, and the natural fiber. So, the fiber is the first stage for production of the cloth. First of all, the fiber is obtained, then the fibers are twisted together to make yarn or thread. जैसे हमें दीपक जलाना है तो दीपक जलाने के लिए जब हम रुई लेते हैं और रुई को फिर स्ट्रेट करके उसको ट्विस्ट करते हुए यानी उसको ऐंठते हुए उस पर बल लगाते हुए उसका हम बत्ती बना देते हैं, या और बारीक करना चाहें तो हम थ्रेड भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से फाइबर्स को आपस में गूंथ करके वी कैन से इन इंग्लिश द फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न, यानी फाइबर्स को आपस में गूंथ करके यार्न या थ्रेड बना दिया जाता है। आफ्टर मेकिंग थ्रेड द थ्रेड इज वोवन एंड fabric is made up. The thread is woven. This work is done by the loom machines. The loom machines are also of two type, power loom and hand loom. Hand loom means manually operated, यानी हाथ से संचालित होने वाली, and power loom are operated by the electricity. So the loom machines make fabric from the yarn. After making fabric, the fabric is stitched into the cloth. यानी fabric से सिला हुआ कपड़ा जो बनाया जाता है उसको cloth कहते हैं। So I have told you about fiber to fabric. Now we are taking the wool. Wool is animal fiber. You know it is obtained from the animal's hairs. The mostly the wool is obtained from the fleece, or we can say the hairs of the sheep. सिप के जो बाल हैं इसको हम हेयर्स ऑफ सिप कह सकते हैं, इनको हम फ्लीस ऑफ द सिप कह सकते हैं। मोस्टली मीन्स 80% वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिप, बट द अदर एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड द वूल। वी आर गेटिंग द वूल फ्रॉम देयर हेयर्स लाइक गोट, याक, कैमल, लामा, अल्पेका। दीज आर द कैमल फैमिली मेंबर, लामा एंड एल्पेका। व्हेन दीज एनिमल्स गेट ए थिक हेयर कोट, द हेयर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर बॉडी टू कलेक्ट द फाइबर्स। वी विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप द प्रोडक्शन ऑफ वूल। इन द स्टेप बाय स्टेप वी विल स्टडी लेटर नाउ ऑल्सो।
इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप, ब्रीड्स नस्लों को कहते हैं, प्रजातियों को कहते हैं। लोही क्वालिटी ऑफ वूल, गुड क्वालिटी वूल, लोही से गुड क्वालिटी वूल प्राप्त होती है। इट इज रियर्ड इन द राजस्थान एंड पंजाब। रामपुर बुशर ब्राउन फ्लीस से प्राप्त होती है, भूरे रंग के इसके बाल होते हैं। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इसका रियरिंग होता है। नाली कारपेट वूल से प्राप्त होती है, कारपेट का मतलब गलीचा जो दरी वगैरह होता है उसको बनाने के लिए इस नाली ब्रिड की जो सिप है उससे वूल प्राप्त करते हैं। राजस्थान हरियाणा पंजाब में पाई जाती है। बकरवाल फॉर वूलन सोल्स, बकरवाल से वूलन सोल्स के लिए गुड क्वालिटी वूल प्राप्त होती है। जम्मू कश्मीर में ये भेड़ पाली जाती है। मारवाड़ी कोर्स वूल यानी ये इट इज रफ वूल, ये सख्त होती है, इसके जो बाल होते हैं वो कोर्स होते हैं, इसलिए कोर्स वूल प्राप्त होती है। कोर्स का मतलब सख्त, जो सॉफ्ट नहीं है। गुजरात में ये पाली जाती है। पटनावाड़ी फॉर होजरी मीन्स इट इज सॉफ्ट, होजरी क्लॉथ सॉफ्ट होते हैं, ऐसे ही इसकी जो वूल है वो सॉफ्ट होती है। गुजरात में ब्रीड पाली जाती है। नाउ हाउ वी ऑब्टेन द वूल फ्रॉम द हेयर्स ऑफ दीज एनिमल्स, हाउ वी आर ऑब्टेनिंग द शिप द वूल फ्रॉम द शिप। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गेटिंग द फ्लीस वी हैव टू रियर द शिप। सो व्हाट इज द रियरिंग ऑफ शिप, हमें जानना होगा कि रियरिंग ऑफ शिप मीन्स क्या होता है। फॉर रियरिंग द शिप वी हैव टू फीड, वी हैव टू गिव शेल्टर, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द एनिमल दैट इज रियर्ड। यानी हमें भेड़ का पालन करना या किसी एनिमल का पालन करना है तो उसको खान, उसका भोजन देना पड़ेगा, उसको रहने का स्थान देना पड़ेगा एंड उसके स्वास्थ्य की देखभाल करनी पड़ेगी। सो द रियरिंग ऑफ शिप आई एम गिविंग नाउ इट्स डेफिनेशन, फीडिंग, गिविंग शेल्टर एंड टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द शिप, इट इज नोन एज रियरिंग ऑफ शिप। सो वी आर रियरिंग द शिप बाई प्रोवाइडिंग इट दैम फूड, बाई प्रोवाइडिंग दैम शेल्टर, बाई प्रोवाइडिंग दैम गुड केयर ऑफ देयर हेल्थ। फॉर ऑब्टेनिंग द गुड क्वालिटी वूल वी हैव टू चूज द गुड क्वालिटी द गुड ब्रीड ऑफ द शिप। हमें अच्छी किस्म की, अच्छी क्वालिटी की वूल प्राप्त करने के लिए अच्छी ब्रीड्स का चुनाव करना होता है। सो वी हैव टू नो नाउ व्हाट इज द सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट शिप फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टरिस्टिक इन देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। यानी कि मेल और फीमेल शिप्स, मेल और फीमेल शिप जिनमें जिनकी क्वालिटी अच्छी है, जिनसे उत्तम क्वालिटी की वूल प्राप्त हो, गुड बेस्ट क्वालिटी का जिनका प्रोडक्शन हो, लाइक वी आर ऑब्टेनिंग वूल एंड मीट फ्रॉम द शिप। सो फॉर गेटिंग बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट यील्ड फ्रॉम द शिप वी हैव टू चूज द गुड क्वालिटी मेल एंड फीमेल फॉर ब्रीडिंग। सो द चूजन ऑफ बेटर क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी मेल और फीमेल फॉर द ब्रीडिंग फॉर गेटिंग द बेटर क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग दिस इज नोन एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। नाउ प्रोडक्शन ऑफ वूल, हाउ वी आर ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम ए शिप। देर आर डिफरेंट स्टेप्स, फर्स्ट रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप आई हैव टोल्ड यू दिस वन। सेकेंड हाउ वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शिप। इन द
Wool obtaining process, there are some steps. First is shearing. Shearing means the removal of hairs from the sheep body along with a thin skin of layer. This work is done by large razors or machines without hurting the sheep. Second, scoring. Scoring means the sheep hairs are cleaned. The removed hairs that are having dust, dirt and grease means they are dirty. The hairs that we are obtaining from the sheep, these are dirty. So these hairs, this fleece, now it is washed in the soap solution for clearance it, for making it clear. This is known as scoring. यानी जो भेड़ के बाल हमने प्राप्त किए हैं उनमें डस्ट है, उनमें डर्ट है, उनके अंदर ग्रीस है और अदर कुछ वेस्टेज भी है, अपशिष्ट जो भेड़ के हैं वो भी चिपका हुआ है, तो उसको हटाने के लिए इनको सोप सॉल्यूशन में धोया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, स्कोरिंग. After scoring, the next point is sorting. We have washed the sheep's fleece, and after that it is dried up. This work is done by the larger washing machines, or it can be done by the hands manually. But nowadays, this work is done by the machines. After washing and drying, the fibers are sorted. Sorting means the classification. जैसे हमने बच्चों का classification कर रखा है कि ये first class का है, second class का है, third class का है, fourth class का है. In the same way, there are different length of fibers. There are fibers of different length. यानी वहाँ अलग अलग length के fiber हैं. So the fibers are classified according to their length. This is known as sorting. After sorting, is done on the base of the quality also. Means जो बेटर क्वालिटी फाइबर्स हैं, जो मॉडरेट हैं, जो लोवेस्ट हैं, उनका अलग अलग ग्रुप बना लिया जाता है, उनको अलग अलग क्लासेज में डिवाइड कर दिया जाता है. दिस इज नोन एज सॉर्टिंग ऑल्सो, नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू लेंथ बट ऑल्सो देयर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज लाइक सॉफ्टनेस, लाइक फाइन कोर्स. दीज आर द प्रॉपर्टीज, फाइन कोर्स लॉन्ग सॉर्ट, ऑन विच द सॉर्टिंग इज डन. यानी इन गुणों के आधार पर फ्लीस में जो फाइबर्स हैं उनका हम डिवाइडेशन करते हैं, उनके हम ग्रुप बनाते हैं. फाइन मतलब महीन बारीक, कोर्स मीन्स सख्त, लॉन्ग मीन्स लंबे, शॉर्ट मीन्स छोटे. तो इस प्रकार से फाइन का अलग ग्रुप बना दिया, कोर्स का अलग बना दिया, लॉन्ग का अलग ग्रुप बना दिया, शॉर्ट का अलग ग्रुप बना दिया. दिस इज नोन एज सॉर्टिंग. ओके, आफ्टर सॉर्टिंग द डाइंग प्रोसेस. डाइंग मीन्स द हेयर आर डाइड विद द डिफरेंट कलर्स, सो वी कैन गेट द डिफरेंट कलर वूल. कॉम्बिंग. कॉम्बिंग मीन्स एज लाइक वी कॉम्ब्स आवर हेयर एंड बाई कॉम्ब वी स्ट्रेट आवर हेयर. इन द सेम वे द फाइबर्स वुलन फाइबर्स are straightened by the combing machines. Okay, the process of combing straighten the entangled woolen fiber, means जो उलझे हुए woolen fiber है उनको इस process के द्वारा
सीधा कर दिया जाता है, स्ट्रेट कर दिया जाता है। ऑल्सो रिमूव द स्मॉल फल्फी फाइबर्स, और इससे छोटे छोटे जो फाइबर हैं, बहुत बारीक बारीक बर्स जिनको कहा जाता है, उनको हटा दिया जाता है। विच में भी कोट इन द जोन में रह जाते हैं, उनमें जो फाइबर्स के अंदर हैं, जो बहुत छोटे फाइबर हैं जिनको हम रोएं कहते हैं, उनको हटा दिया जाता है। स्पिनिंग मीन्स फाइबर से ट्विस्ट करते, फाइबर को ट्विस्ट करते हुए और थ्रेड बनाना। द लॉन्ग वूलन फाइबर आर स्पन इनटू थिक यर्न कॉल्ड वूल, यानी जो लॉन्ग वूलन फाइबर हैं उनको ट्विस्ट करते हुए, उनको गूंथते हुए, ऐंठते हुए और धागा बना दिया जाता है, जिसे वूल कहते हैं। द वूल विच इज यूज्ड फॉर नेटिंग है स्वेटर्स, तो वूल का हम यूज करते हैं नेटिंग, स्वेटर बना बुनने के लिए। दिस इज द प्रोसेस हाउ वी ऑब्टेन द वूल फ्रॉम द सिल्क।